नमस्कार दोस्तों, मदरसा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स और अन्य इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मदरसा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग 6 अगस्त 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ होगा और इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर है, केंद्र ने पिछले वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने रुपए से ज़्यादा जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की है? 1,50,000 करोड़, 1,65,000 करोड़, 1,70,000 करोड़ या 1,80,000 करोड़? तो इसका सही उत्तर है 1,65,000 करोड़। दो नंबर देखिए, कोविड-19 के गंभीर रोगियों को जीवन रक्षण इंजेक्शन टोसिली जुम्बाब और प्लाज्मा थेरेपी देने का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। सीएम यहाँ के है अशोक गहलोत, ठीक है। कैपिटल है जयपुर और अभी इस राज्य पे टिड्डी आक्रमण हो रहा है और यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता भी है, ठीक है। तीन नंबर देखिए, जनरल प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के रक्षा मंत्री है? अब ये भारत आए थे और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया होगा 5 तारीख वाले में कि कुछ देश के रक्षा मंत्री हमारे पास आए थे। तो ऑप्शन है श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया या जापान। तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। चार नंबर देखिए, किस उच्च न्यायालय ने केंद्र से मेडिकल की सीटों के केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए समिति बनाने को कहा है? ठीक है, किस उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है? मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली या फिर चंडीगढ़? तो इसका सही उत्तर है मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास यानी कि चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में। सीएम है इसके ई पलानी स्वामी। बात करें तमिलनाडु में 38 जिले हैं और 26 जनवरी 1950 को ये राज्य अस्तित्व में आया। इसके पहले सीएम थे सी राजागोपालाचारी और 14 जनवरी 1969 को इसका नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। बात करें इसमें लोकसभा के 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। पांच नंबर देखिए, किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए बायोमेडिकल कचरा निपटारा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। छः नंबर देखिए, एक दिन में 1 लाख से अधिक टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी या राजस्थान? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूपी। 1,06,000 कुछ टेस्ट किए हैं एक दिन में। सात नंबर, भारत के किस राष्ट्रीय संस्थान में पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अबुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया है? किसने किया है? आरबीआई, डीआरडीओ, इसरो या फिर नीति आयोग? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। डीआरडीओ की बात करें तो हेड क्वार्टर है दिल्ली में और 1958 में ये बना। अभी इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और ये डिफेंस मंत्रालय के अधीन आती है। आठ नंबर देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने BIS मोबाइल ऐप्स BIS केयर एवं EBIS के मानकीकरण अनुरूपता आकलन तथा प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है, उस मंत्री का नाम क्या है? सीधी सी बात है, पूछा जा रहा है केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कौन है, PDS मंत्री कौन है? रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर बादल, वीरप्पा मोइली या नितिन गडकरी? तो आंसर है रामविलास पासवान। हरसिमरत कौर बादल जो है वो फूड प्रोसेसिंग मंत्री है और नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर और नमामि गंगे तो हटा दिया नहीं, ये दोनों मिनिस्टर हैं ये। नौ नंबर देखिए, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK, ये चार देशों ने चीन के साथ, हांगकांग का इनके साथ संधि था,
तो चीन ने जैसे ही हांगकांग को हड़प लिया तो इन्होंने अपनी संधि को निरस्त कर दिया। अब पांचवा देश कौन बना है जिसने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निरस्त कर दिया है? श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील या अर्जेंटीना? आंसर है इसका न्यूजीलैंड। देखिए प्रत्यर्पण संधि ये होता है कि मान लीजिए चाइना से या फिर जैसे मान लीजिए इंडिया में और न्यूजीलैंड में संधि हुआ है, तो इंडिया का कोई व्यक्ति अगर क्राइम करके न्यूजीलैंड चला जाएगा तो न्यूजीलैंड उस व्यक्ति को वापस इंडिया को सौंप सकता है और यही चीज़ इंडिया भी न्यूजीलैंड के लिए करेगा। तो यही है प्रत्यर्पण संधि। न्यूजीलैंड के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से है? इंग्लिश है और माओरी है। अगर कभी आपसे पूछा जाओ माओरी लोग किस देश में पाए जाएंगे तो न्यूजीलैंड में। और पीएम है इनकी जैकिंडा आर्डन। 10 नंबर देखिए, किस एशियाई देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार संबंधित कार्रवाई की गई है? उनसे ये कहा गया कि 1 बिलियन अपने देश के रुपए को इन्होंने घपला किया है, तो कौन है? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या वियतनाम? तो इसका जो सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया के पूर्व पीएम थे, नाम है नजीब रजक, ठीक है ये है। अगर हम बात करें मलेशिया की, मलेशिया का जो हमारा एंथम नेशनल एंथम उसको जना वगैरह कहते हैं, तो वहाँ का जो नेशनल एंथम है उसे कहेंगे नेगा राकू, ठीक है। इसका मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर। लेकिन अगर बात किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया, याद रखिएगा। ऐसे राजधानी कुआलालंपुर है लेकिन प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। मलेशिया के पीएम फिलहाल हैं मुहिद्दीन यासीन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा करेंसी चलता है? तो चलता है रिंगित, रिंगित करेंसी चलता है। 11 नंबर देखिए, आज भारत में हर साल कितने लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी विकसित हो चुकी है? 1, 2, 3 या फिर 4 बताइए। तो अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 लाख इसका आंसर है। 12 नंबर देखिए, भारत में कोविड 19 के जांच के लिए 1300 से अधिक केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, इसके तहत कितने प्रतिशत भारतीयों की पहुंच इन जांच केंद्रों तक पहुंच गई है? 95%, 96%, 97% या 98%? तो इसका सही उत्तर है 97%। 13 नंबर देखिए, चेज द वायरस किस राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई योजना है जिसके द्वारा उन्नत तरीके से कोरोना वायरस से लड़ा जा रहा है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। 14 नंबर देखिए, भारत 59,000 करोड़ रुपए के 2016 के सौदे के तहत 36 रफाल विमान खरीद रहा है, विमान हम किस देश से खरीद रहे हैं? वैसे रशिया, फ्रांस या इसराइल? तो सही उत्तर सबको पता है फ्रांस। 15 नंबर, मीडिया में आ रही गलत सूचना और फर्जी समाचारों को पहचानना सिखाने पर टाइम स्कॉलर्स इवेंट को किसने संबोधित किया है? एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह? तो इसका सही उत्तर है एम वेंकैया नायडू। सोलह नंबर देखिए, कौन सी राज्य सरकार के सभी अस्पतालों को महात्मा ज्योतिबा फुले स्वास्थ्य योजना के तहत पीपीई किट और मास्क उपलब्ध कराएगी? तो ये योजना किस राज्य की है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है महाराष्ट्र। अगर हम बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले की, तो ये बहुत ही महान शख्सियत थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और ये किया था 24 सितंबर 1873 में। ये और इनकी वाइफ, ठीक है, दोनों ने मिल के महिला को पढ़ाने का जो शुभ काम किया था वो देखिए आज भी चल रहा है, उम्मीद करते हैं आगे भी चलता रहे। ये बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन्होंने जाति प्रथा, जो दलितों का व्यवहार या फिर जो ब्राह्मणों पर अत्याचार होता था दलितों पर, उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से मुकाबला किया। अगर बोला जाए कि महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र के बाद भारत में
जिन्होंने काफ़ी कुछ किया गरीब और पिछड़े तबकों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर देखिए, रफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप भारत के किस शहर के वायुसेना बेस पर शामिल होगी, देश की जगह या बेस होगा, तो हिंडन, अंबाला, चंडीगढ़ या दिल्ली, तो याद रखिएगा ये अंबाला बेस पे होगी, और अंबाला कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। 18 नंबर देखिए, बिहार राज्य के विभिन्न जांच केंद्रों को कितने लाख रैबिट एंटीजन जांच किट उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि बिहार में काफ़ी सारे कोरोना केसेस मिल रहे हैं, 1, 2, 3 या 4, तो इसका सही उत्तर है 1 लाख। 19 नंबर देखिए, किस राज्य की सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों के लिए कोविड उपचार शुल्क की सीमा तय की है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तेलंगाना, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, गवर्नर है इसके तमिलिसाई सौंदर्य राजन, सीएम है के चंद्रशेखर राव। बात करें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 33 है, और ये 12 याद रखिएगा, 12वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है और एरिया के हिसाब से भी 12वें नंबर पे है। ये अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य में अमूल दूध के सभी विक्रय केंद्रों में 2 रुपये में सामान्य फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात या तेलंगाना, तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात की बात करें तो सीएम भाई कौन है, विजय भाई रूपानी, गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। जिलों की बात करें तो 33 जिले हैं, कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर कैपिटल है, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और एरिया के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा राज्य है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।